प्यारे बच्चों, जो छात्र इस बार बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा कला संकाय से देने के लिए जा रहे हैं, उनसे सर्वप्रथम आज मैं क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि गैस क्वेश्चन उपलब्ध कराने में हमें काफ़ी ज़्यादा विलंब हो गया, जिसके कारण ढेर सारे बच्चों का मुझे मैसेज प्राप्त हुआ। तो उन बच्चों से मैं आज क्षमा मांगना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का गैस क्वेश्चन, अर्थात राजनीतिक विज्ञान का गैस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम गैस क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ दिए गए लिंक को ओपन करें और राजनीतिक विज्ञान का PDF फाइल में गैस क्वेश्चन डाउनलोड करें। गैस क्वेश्चन डाउनलोड करने के उपरांत आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कुल लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 68 मिलेगी। अब इनमें से आपको तो पढ़ना तो सभी है, सभी आपका VVI क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो प्रश्न मैं आपको टिक कराने के लिए जा रहा हूँ उनको आप सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद बाकी का शेष आप रट लीजिएगा, ठीक है। तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी ग्रुप बी में आप टिक लगाइएगा प्रश्न संख्या 2 पर, जो है आसियान के उद्देश्य, इसको आपको देख लेना है, साथ ही ताशकंद समझौता को भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या आप लोग आइएगा 4 पर, 4 पर है बिहार आंदोलन, और 4 के साथ प्रश्न संख्या 5 भी आपको देख लेना है, मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद सीधे आप आइएगा प्रश्न संख्या 8 पर, वैश्वीकरण, ठीक है। 8 के बाद आप आइएगा प्रश्न संख्या 10 पर, चिपको आंदोलन आपको विशेष करके देख लेना है। तो 10 के बाद आप 11 पर टिक लगाइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। 11 के बाद 12 भी आप लोग 12 को भी टिक आप लोग कीजिएगा दल बदल, ठीक है, दल बदल राजनीतिक क्या है। 12 के बाद आप टिक कीजिएगा प्रश्न संख्या 15 पर, विश्व व्यापार संगठन पर, ठीक है। 15 के बाद आप टिक कीजिएगा प्रश्न संख्या 20 पर, हरित क्रांति क्या है, ठीक है। 20 के बाद आपको देख लेना है अयोध्या विवाद क्या है। इसके बाद आइएगा प्रश्न संख्या 26 पर, 26 को आपको टिक कर लेना है कि नौकरशाही का वर्णन करें। 26 के बाद आप लोग आइएगा 29 पर, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 29 के बाद आप आइएगा 32 पर, अन्ना आंदोलन क्या है, इसको आपको देख लेना है। 32 के बाद आप लोग आइएगा 33 पर, शिमला समझौता से आप क्या समझते, यानी शिमला समझौता को आपको देख लेना है। तो उसके बाद आप 34 भी टिक लगा ही लीजिएगा, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 34 के बाद आप आइएगा 37 पर, 37 में है नक्सलवाद को आपको देख लेना है, नक्सलवाद क्या है। 37 के बाद आप आइएगा 44 पर, 44 में है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 44 के बाद आप आइएगा 45 पर, 45 में है पंचशील, ठीक है, पंचशील क्या है, पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, पंचशील सूत्र में जो 5 सूत्र है उसको आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आइएगा डायरेक्ट 45 से 49 पर, ठीक है, सार्क क्या है। 49 के बाद आप आइएगा 53 पर, ठीक है, 53 आपको देख लेना है, पंचवर्षीय योजना आपको, जो पंचवर्षीय खास करके योजना है प्रथम द्वितीय, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद 53 पर से आप आइएगा डायरेक्ट 57, यानी आप 57 पर आप आइएगा बांग्लादेश के उदय के क्या कारण थे, ठीक है। 57 से आप डायरेक्ट आप लोग आइएगा 57 लघु में, इतना आपका काफ़ी है, इतना आपको सबसे पहले देख लेना है, उसके बाद आप उस इतना देखने के बाद फिर आप जो आपका दिया गया है उसको रख लेना है, ठीक है। अब आप लोग आइएगा ग्रुप सी यानी दीर्घ, ग्रुप सी में आप लोगों का है दीर्घ। सबसे पहले टिक आप लोग कीजिएगा प्रश्न संख्या 1 पर,
कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखी, यानी कश्मीर समस्या को आपको देख लेना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 3 के बाद आप लोग टिक कीजिएगा प्रश्न संख्या 5 पर टिपको आंदोलन, ठीक है, सॉरी चिपको आंदोलन आपको देख लेना है। 5 के बाद आप आइएगा 6 पर सार पर एक निबंध लिखें। 6 के बाद आप आइएगा प्रश्न संख्या 9 पर, ठीक है, भारत विदेश नीति, ठीक है, भारतीय विदेश नीति 9 पर आपको आ जाना है। 9 के बाद आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 11 पर आसियान। अब 11 के बाद आप लोग आइएगा 13 पर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद आप लोग आइएगा प्रश्न संख्या 15 पर राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। 15 के बाद आप लोग आइएगा प्रश्न संख्या 17 पर, ठीक है, 17 के बाद आप 20 भी आप टिक लगा सकते हैं। तो 20 इतना आपको सर्वप्रथम रटना है, उसके बाद जो सेंस है आपको रख लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।